क्यों लगा मेरे समझ नहीं आया। देखो कोनिक स्टार्ट में तो मतलब लगता है यार, मैं फ्रेंकली बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा हूँ कि स्टार्ट में मैं बोलता हूँ कि कोनिक बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन जब बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, तो उनको लगता है फॉर्मूले बहुत है यार, इंटरसेप्ट फॉर्म की ये इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म में ये होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म कब लग जाती है, लोकस कैसे निकालते हैं, वेरिएशन होता है ना। लेकिन स्ट्रेट लाइन सर्कल तक जो बच्चे रेस में दौड़ते रहते हैं सर का हाथ पकड़े पकड़े बिना डरे, एक होता नहीं कि सर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, जब सर मेरे साथ हैं तो हमें डरना क्या, समझ गया ना। अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाए जब सर मेरे साथ हैं, सर मुझे दौड़ा रहे हैं, सर ने तो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, अगर हम गिर भी जाएंगे तो भी सर घसीटते हुए ले जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा तो उस दिन लगेगा यार कि कोई दिक्कत है, कोई भी टॉपिक हो, कोनिक तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर तो 5 टाइम ज्यादा टफ है, कोनिक तो बहुत आसान है। तो एक या दो टॉपिक में बच्चों तुमको बस मेहनत करनी थी, स्ट्रेट लाइन सर्कल अभी भी टाइम है, अभी भी ऐसा नहीं टाइम निकल गया, वीडियो लेक्चर अभी तुम्हारे पास अवेलेबल है, नोट्स तुमने बना के रखे हुए हैं, बस तुम लेक्चर देखो। और कोनिक के लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा टेंशन मतलब पीवाई क्यूज करो, कोनिक के लिए लेक्चर देखो, जिनका कोनिक खराब हो चुका उनके लिए बोल रहा हूँ, है ना। बाकी कोनिक बहुत आसान है, क्योंकि अगर तुमने हिम्मत कर ली, स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ लिया, फिर तुम देखो उन्हीं सारी चीजों का रिपीटेशन, पैराबोला एक बार पढ़ लोगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, फोकस, फोकल कॉर्ड, ये सब टर्म आपके इलिप्स में है, और इलिप्स पढ़ लिया तो हाइपरबोला में तो 90% सेम होता है, इलिप्स जैसा जैसे रिजल्ट आपके इलिप्स में है वैसे ही हाइपरबोला में है, बस ई उसमें ग्रेटर देन 1 होता है, समझ में आया क्या। तो कुछ चीजें बस चेंज होती है, बाकी सारी सेम है, सेम वर्ड्स रिपीट होंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट एस एस वन इक्वल टी स्क्वायर कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट टी इक्वल टू एस वन, समझ में आया क्या। तो वो सारी चीजें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टी इक्वल टू 0, तो वो सारी चीजें ज्यादा आसान लगने लगेंगी अगर तुमने 2-3 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए। तो कोनिक जिनका खराब है, जिनको डर लगता है, उनके लिए बोल रहा हूं पहले लेक्चर देखो हिम्मत के साथ, ये मानते हुए, हिम्मत के साथ ये मानते हुए सर मेरे साथ खड़े, मेरा हाथ पकड़े हुए, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वॉच ऑल लेक्चर्स, है ना, पहले लेक्चर सारे देखने हैं, लेक्चर देखने के बाद पहले लेक्चर की प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा खुद से अटेंड, कॉन्फिडेंस के सामने लोकस क्या बताया, कैसे सिखाता है, कैसे लोकस निकालते हैं, स्टार्ट की 2 प्रॉब्लम देखी, तीसरी खुद से अटेंड की इस तरह से। और 5 ईयर्स पीवाईक्यू ऑफ जेई मेन, सबसे पहले जेई मेन, कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा तो सबसे आसान चीज से स्टार्ट करो, सबसे आसान आसान क्वेश्चन करो, है ना, बिल्कुल नीचे गिर जाओ, बिल्कुल नीचे आ जाओ, बिल्कुल अब नीचे से चीजों को पकड़ना स्टार्ट करो, उसमें क्या हुआ टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, जो काम लोग 30 मिनट में करते तुमको 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि तुम बहुत नीचे से बेसिक से पढ़ रहे हो, लेकिन उतना ही तुम स्ट्रांग भी हो जाओगे, तुमने अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर लिया तो फिर तुमको हिला नहीं सकता कोई, अंगद के पैर की तरह बिल्कुल हो जाता है कि आपने पैर जमा दिया तो अब कोई रावण भी आ जाए लेकिन पैर हिला नहीं पाएगा आपका, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, स्पीड थोड़ा स्लो रहती है, उसमें हम बोलेंगे थोड़ा सा टाइम उस केस में बढ़ा दो जहां पर टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है। तो 5 ईयर पीवाईक्यू आप जेई मेन कर लोगे तुम लोग, अगर कोनिक डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज्यादा ब्लंडर हो चुका है, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई है, तो लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के बाद 5 ईयर पीवाईक्यू कर लोगे, इसमें तुम देखोगे कि जिस प्रोफाइल के क्वेश्चन 2017 में आए थे वही 2018 में आएंगे, वो जैसे 2020 में आए थे और होपफुली वैसे ही 2022 में भी आ जाएंगे, उसी प्रोफाइल को, इतने सारे पेपर्स हुए उनमें से एक घुमा फिरा के कुछ डेल्टा एक्सचेंज करके नया क्वेश्चन बना के दे देते हैं।